हेलो दोस्तों, एक दिन छोटा भीम और चुमन डोगी दोनों आपस में फुटबॉल गेंद का मजा ले रहे हैं और आपस में दोनों फुल एंजॉय कर रहे होते हैं और दोनों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। और तभी उस जाड़ियों के पीछे छुप कर बैठा मोटू उसे सब देख लेता है। तभी चुमन डोगी उसके पीछे भागता है और तभी मोटू मक्खन से भरा हुआ मटका चुरा लेता है और चुमन डोगी उसे देख लेता है और चुमन डोगी मोटू के पीछे पीछे भागता है और मोटू आगे आगे भागता रहता है। तभी एंट्री होती है छोटे भीम की और छोटा भीम उसके पीछे पीछे भागने लगता है और चुमन डोगी बेचारा थक जाता है। और तभी छोटा भीम आ जाता है और मोटू घबरा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये चुमन डोगी को फुसलाने के लिए मोटू और छोटे भीम का प्लान था, क्योंकि ये दोनों माखन के बहुत शौकीन हैं और इन्हें माखन खाना बहुत पसंद है। लेकिन तभी छोटे भीम की मम्मी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और तभी आपस में दोनों माखन की टोकरी को इधर उधर फेंकने लगती है। देख के छोटे भीम ने टोकरी को ऊपर फेंक दिया और टोकरी बेचारी ऊपर आकाश में चली जाती है। दोनों मार खाने से बच जाते हैं और छोटे भीम को उसकी मम्मी लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, आप अपनी मम्मी से प्यार कर दे, एक मम्मी के लिए लाइक कीजिए। तभी चुमन डोगी आ जाता है और छोटे भीम की मम्मी को सारी बातें बता देता है। छोटे भीम की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और ऊपर फेंकी हुई मटकी आकाश से नीचे आ जाती है। मोटू और छोटे भीम की जान बच जाती है और फिर सभी मिलकर वो उस मक्खन को खाते और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है।